ब्रेक मारो ब्रेक मारो। अंदर में डीप साइड में पूरे शेर शेर रहते थे। मुंह देखो भर गया है एक चॉकलेट से, इसका बात भी नहीं कर पा रहा है। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू अ न्यू ब्लॉग। आई होप आप सब अच्छे होंगे और अपनी अपनी लाइफ में खुश होंगे। तो आज सुबह सुबह मैं साड़ी पहन के हो गई हूँ रेडी। तो थंबनेल देख के आप लोग थोड़ा सा गेस कर लिए होंगे कि मैं क्या करने वाली हूँ। मुझे जो करना था तो वो मेरा हो गया है, वो आपको अभी थोड़ी देर में देखने को मिल जाएगा कि मैंने कैसे किया है सब कुछ। आपको पता है हम रोज़ जो जो कुछ स्कूल छोड़ने के बाद ही जाते हैं कार ड्राइव के लिए, इसीलिए वो टाइम पर मैं शूट नहीं की, तो मैं अभी कर रही हूँ। तो मैंने सोचा कि चैलेंजिंग वाला तो रोज़ होता है, आज थोड़ा सा खुद से चैलेंज लेते हैं कि मेरा जो एक फियर फैक्टर है कि साड़ी पहन के मैं साइकिल नहीं चला सकती, स्कूटी नहीं चला सकती और कार तो बहुत दूर की बात है। तो आज मैंने मेरे वो फियर फैक्टर को दूर भगाने की कोशिश की है। जो लेडीज़ एक अपने कंफर्ट जोन में रहते हैं, चाहे वो कोई भी कंफर्ट जोन हो, साड़ी के कंफर्ट जोन में हो, जीन्स टॉप के कंफर्ट जोन में हो, ड्रेस सलवार सूट कोई भी कंफर्ट जोन में हो, जिनमें वो अपने आप को बहुत कंफर्टेबल महसूस करते हैं, तो वो लोग उनको उस लेवल को छोड़ के दूसरे लेवल पर जाने की सोचते भी नहीं है, क्योंकि उनको डर लगता है यार ये मैं पहन के कर पाऊँगी, क्या मैं ये पहन के कर पाऊँगी। तो सेम चीज़ मेरे साथ भी हुई है। मैं भी सोच रही थी कि मैं ऐसा नहीं कर पाऊँगी, क्योंकि जब भी मैं स्कूटी भी चलाती थी तो भी मैंने मेरे घर वालों को भी बोल दिया है कि आपको मेरे साथ बैठना है तो मुझे सलवार सूट पहनना पड़ेगा, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा डरती हूँ साड़ी पहन कर चलाने से। मैं अगले वाले को भी बोलती हूँ कि आप भी हो सके तो पहनो और टू साइडेड होकर बैठ जाओ, क्योंकि सच्ची में कुछ हो गया मुझे एक डर रहता ही है। तो वो चीज़ मैं कर लेती हूँ कि अगर मैं ड्रेस पहन के हूँ और अगला वाला जो है वो साड़ी पहन के वन साइडेड बैठ रहा है तो उसको मैं चला लेती हूँ, बट मैं बहुत ज़्यादा डरती थी। तो अभी जब मैं कार ड्राइविंग कर रही हूँ तो मैंने सोचा इस फियर फैक्टर को पहले दूर भगाते हैं कि मैं इसको कर पाती हूँ कि नहीं। तो मैंने आज खुद से ये चैलेंज लिया कि चलो यार आज करके देखते हैं कि क्या प्रॉब्लम्स होती है, सच्ची में कुछ प्रॉब्लम होती भी है या नहीं, कि मेरे अंदर का डर है। तो मैंने आज वही सेम चीज़ की है और मैंने शूज़ भी नहीं पहना था, आज सैंडल पहन के फुल साड़ी के गेटअप में मैं चली गई कार ड्राइव करने। तो मैंने कैसे कार ड्राइव किया, मेरा एक्सपीरियंस क्या था, और आज जो है ना सिचुएशन भी वैसी सेम हो गई थी, जहाँ से हमको टर्निंग लेना था हम वहाँ से नहीं गए। मैं मेरे हस्बैंड बोले कि और सामने लो, तो मैंने बोला और ठीक है ले लेते। वहाँ पे जाके जो सिचुएशन हुई ना तो आपको अभी वीडियो में देखने को मिलेगा। तो चलिए वीडियो को देख लेते हैं। सीट बेल्ट इधर ले लो, साड़ी में कंफर्टेबल लग रहा है आराम से। टर्निंग पॉइंट क्रॉस करके और सामने जा रहे हैं आज। मुझे लगता था कि साड़ी पहन के चलाना जो है बहुत टफ काम है, क्योंकि मैं स्कूटी भी चलाती नहीं हूँ नॉर्मली, साड़ी पहन के मुझे बहुत डर लगता है। ये तो आज मैंने सोचा चलो यार खुद ही एक चैलेंज ले लेते, देखते साड़ी पहन के चला सकती हूँ कि नहीं, और चला रही हूँ तो उतना कुछ तकलीफ लग नहीं रहा है कि नहीं साड़ी पहन के चलाना इतना मुश्किल है या फिर कुछ हो जाएगा। इतने दिनों से मैं शूज़ पहन के भी चला रही थी, तो आज शूज़ भी पहन के नहीं हूँ, मैं सैंडल ही पहन के हूँ, तो उतना कुछ ना लग नहीं रहा है मुझे। जब हम प्रैक्टिस कर रहे थे वो रोड पे मैंने साड़ी पहन के कभी ट्राई नहीं किया है, क्योंकि वो रोड नॉर्मली बहुत ही फ्री रोड था वो, तो वहाँ पे मेरे दिमाग में आइडिया भी नहीं आया कि चलो यार कभी साड़ी पहन के भी करें। बट ये जो रोड है बिजी रोड है, एक तो चैलेंजिंग रोड है, ये चैलेंज अपने आप सामने से आते हैं पीछे से आते हैं,
तो मैंने सोचा यार खुद भी एक चैलेंज ले लेते हैं साड़ी पहन के, और एक एक्स्ट्रा चैलेंज लेते हैं और देखते हैं कैसा होता है ये चीज़। तो अभी तक तो अच्छा ही चल रहा है सब कुछ, अच्छा ही लग रहा है, चलाने में भी कंफर्टेबल, जैसे नॉर्मली ड्रेस पहन के मैं करती हूँ वैसा ही लग रहा है, कुछ अलग लग नहीं रहा है मुझे। बस जैसा मैं चलाती हूँ रोज थोड़ा सा नर्वसनेस के साथ, वो थोड़ा सा तो है मेरे अंदर, बाकी और कुछ भी नहीं लग रहा। अभी ये सुनसान रोड है, देखो जंगल रोड प्लस सुनसान, मतलब कुछ दिख भी नहीं रहा है। सेम वैसे ही रोड पे फिर से आ गए हम लोग, लेकिन देखो ये ट्रक जो है हमारा पीछा छोड़ती ही नहीं है कहीं नहीं ना कहीं। तो ये हाईवे है ना, टपक पड़ते हैं ये लोग भी। धीरे धीरे चलो, हाँ अपना साइड मत उतारो, वो चले जाएंगे साइड से। तुम जितना साइड दोगे उन लोग और दबाते हुए लेके आएंगे, ठीक है? अच्छा मैं निचोड़ता जाऊंगी तो और आ जाएंगे। हाँ ऐसा भी करते हैं वो ट्रक वाले मतलब इनको इतनी बड़ी रोड है ये भी कम पड़ती है। वो ट्रक में है ना, उन लोग अपने आप को राजा समझते हैं। सामने में गांव है। अच्छा सामने में भी एक गांव है। हाँ ओके। नॉर्मली हम लोग जब घूमने जाते हैं ना तब मैं मुझे पता है हाँ रहता है, बट अभी कार ड्राइव कर रही हूँ ना तो उतना कैलकुलेशन नहीं लगा पा रही हूँ मैं। थोड़ा स्लो कर लो, स्लो कर लो। वहाँ सामने से रोड है, वहाँ से हम लोग टर्न ले लेंगे। अब फर्स्ट गियर में धीरे धीरे वहाँ तक लो, आराम से इधर इधर सीधा सीधा करो, सीधा करो, सीधा करना है पर टर्न ले रही थी। बस 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 अब रिवर्स गियर डालो, रिवर्स गियर पीछे पीछे लेना है अपने को, थोड़ा सीधे सीधे पीछे लो, सीधे सीधे पीछे लो, धीरे धीरे। हाँ ब्रेक पे कंट्रोल रखना, छोड़ दो मेरे। हाँ बस 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 ब्रेक मार। जा पाएंगे? चलो 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 धीरे धीरे चलो। हाँ धीरे धीरे चलो, धीरे धीरे चलो। ब्रेक मारो, ब्रेक मारो। हाँ लो लो धीरे धीरे, ब्रेक ब्रेक की तरफ ध्यान रख। हाँ चलो धीरे 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 धीरे, बाइक आ रही है वहाँ से, बाइक आ रही। हाँ चलो, हाँ सामने गाड़ी थी ना, तुम ब्रेक भी नहीं मारी थी, ब्रेक मारने को बोला तब ब्रेक मार। अरे मैं पैनिक हो गई, वो सिचुएशन कैसी थी, इधर से ये गाड़ी उधर से वो गाड़ी, क्या करूं मेरे को खुद समझ नहीं आ रहा था। आप इधर स्टेयरिंग पकड़ के हो पूरा, मेरे को कैसे समझ में आएगा कहाँ पे स्टेयरिंग है क्या है, कुछ भी नहीं समझ में आ रहा था। टर्निंग लेते टाइम दो गाड़ी एक साथ अटैक कर दी, यहाँ से इसको भी आया वहां से उसको भी, सामने आके खड़ा हो गया। देख रहे हैं भाई, चलो लेडीज चला रही, थोड़ा सा साइड दे देते हैं, हम रुक जाते हैं, इसको जाने देते हैं। अब देखो ये रास्ता पूरा फ्री है, ठीक है? यहाँ ऐसे ही रोड पे मैंने बहुत दिन तक प्रैक्टिस की है, तो ऐसे रोड पे चलाना बहुत इजी है ना, ऐसे रोड पे चलाना बहुत इजी है, बहुत इजी है। तो इसी पे हैबिट बना ली, अभी मेरे पास चैलेंजिंग वाले रोड आ रहे हैं, बिजी वाले रोड आ रहे हैं, तो वहाँ पे मैं बहुत ज्यादा डर जाती हूँ कि यहाँ पे चला के फिर आप वहाँ पे लेके जाओगे ना किसी के पास भी, वो बहुत चैलेंजिंग रहेगा। नहीं मेरे साथ भी वही चीज हो रही है, तो आते रहेंगे, यही तो है सीखना ना। अभी देखो ये जो चलाना है, तुम थर्ड गियर में फोर्थ गियर में भी अभी चला पा रही हो, ये तुम सीख गई हो, ठीक है? नहीं लोग बोलते ना, हाँ मैं तो दो दिन में चलाना सीख गई थी, ये सीखना होता है दो दिन में, लेकिन जो चैलेंजेस आते हैं वहाँ से कैसे निकालना गाड़ी को, वो चीज वही बड़ी बात होती है, वो चीज कैसा है धीरे धीरे प्रैक्टिस से ही आएगा। इतना सही दिख रहा है ना ये रोड, देखो यार कितने से सेम झाड़ लग के, तो बहुत ही अलग लग रहा था। जंगल जंगल ये अंदर में डीप में, यहाँ पे गए तो शेर वगैरह भी रहते हैं, यहाँ पे नहीं मिलते शेर, क्योंकि गांव कनेक्टेड है ना यहाँ से, अंदर में डीप साइड में पूरे शेर शेर रहते थे। ये वही
टर्निंग पॉइंट अपना पहले वाला। बाय बाय, आज हमने यहाँ से टर्न नहीं लिया, सॉरी टर्निंग पॉइंट, कल पक्का लेंगे, ठीक है, तुम बुरा मत मानना। और मैं जिस रोड पे कार ड्राइव के लिए जाती हूँ ना फिलहाल, वही रोड पे हमारे एक ड्राइवर का गांव भी है, तो हम लोगों ने सोचा उसे भी ले लेते हैं यहाँ से। बट अंदर जब कार हमने डाली तब मेरे हस्बैंड ही यहाँ से चला रहे थे, क्योंकि आप देख ही सकते हो सामने से जो ना ट्रक आ रहे थे, लोग आना जाना चालू था लोगों का, फिर मुर्गियाँ थी बकरी थी, इसलिए मैंने मेरे हस्बैंड को एक गाड़ी दे दी। उसके बाद एक जगह पे कार रोक के यहाँ पे मैंने अपना सीट चेंज कर लिया, और फिर बाद में हमने शूट नहीं किया। उसके बाद हम आ गए घर वापस। आप लोगों में से भी बहुत लोग ऐसे होंगे जो ऐसी ही चीज़ों के बारे में सोचते होंगे कि मैं ये पहन के कर सकती हूँ, मुझे पता है ये बहुत ज़्यादा लोगों की प्रॉब्लम रहती है, मैं ये पहन के कर सकती हूँ, मैं शूज पहन के नहीं कर सकती, मैं सैंडल पहन के नहीं कर सकती। तो मेरा बस उन लोगों से यही कहना है कि आप एक बार बस ट्राई करो उस चीज़ को, आप अकेले मत सोचते रहो, क्योंकि सेम चीज़ मैंने की है। और मेरे हस्बैंड हमेशा बोलते रहते हैं कि सोचते रहने से बेटर है कि आप उस चीज़ को एक बार करो, आप फेल हो जाओगे या तो फिर ऐसा होगा कि आप उस चीज़ से जीत जाओगे, कोई भी एक चीज़ होने वाली है। तो जब मैं चला रही थी ना, मुझे ऐसे कुछ भी नहीं लगा कि मैं साड़ी पहन के हूँ या तो फिर मैं सैंडल पहन के हूँ, मेरा जो ये प्लेट्स है ये सामने आ रहा है, ये सारी चीज़ें जो मुझे सता रही थी, डर दे रही थी कि इन सारी चीज़ों की वजह से मैं नहीं चला पाऊंगी, ये सारे झूठे निकले। कभी ऐसा कुछ भी नहीं हुआ मेरे साथ कि उसके वजह से मुझे प्रॉब्लम आई हो या तो फिर मैं वहाँ से नहीं कर पा रही हूँ वो चीज़। हाँ, सिचुएशन ऐसी थी सिर्फ उस टाइम पे जब मैं टर्निंग ले रही थी, तब यहाँ से भी अचानक से एक गाड़ी आ गई, सामने से भी अचानक से एक गाड़ी आ गई, और वो दोनों ही अपनी जगह से नहीं हट रहे थे। तो उस टाइम पे मुझे नहीं लगता मेरा कोई गलत पॉइंट था, क्योंकि मैं तो आराम से ले रही थी, लेकिन वही लोग सामने से नहीं हट रहे थे, और मैं थोड़ा सा पैनिक हो गई थी क्योंकि मेरे हस्बैंड ने स्टीयरिंग पकड़ लिया था, तो मुझे समझ ही नहीं आ रहा था मैं क्या करूँ। फिर भी वहाँ से हम लोगों ने ले लिया। बस ऐसा ही था मेरा आज का ये साड़ी पहन के कार ड्राइव का एक्सपीरियंस, बहुत ही अच्छा रहा। इसलिए आप लोग भी ट्राई करना कि आपका जो फियर फैक्टर है उसे आप दूर भगा सको। तो मेरी भी बेस्ट विशेस रहेगी आप लोगों के साथ जो भी ऐसा करना चाहते हो, और कमेंट में ज़रूर बताना कितने लोग ऐसे हो कि आपका फियर फैक्टर ये है और आप उससे लड़ नहीं पा रहे हो, उससे आगे नहीं बढ़ पा रहे हो, शायद मैं आपकी कुछ हेल्प कर सकूँ और ये वीडियो भी आपके लिए हेल्पफुल रहे। बातें करते करते इतना लेट हो गया ना, खाना बनाते हुए भी लेट हो गया था, तो मैं यहाँ पे आके जल्दी से मैंने सोचा कि चलो यार दाल बना लेते हैं, जो जो का भी फेवरेट है, और हम भी दो तीन दिन में दाल खाते हैं, रोज़ रोज़ नहीं खाते, बोर हो जाते हैं थोड़ा सा। उसके बाद मुझे जाना था शॉप में, केक शॉप में मुझे थोड़ा सा काम था, तो जो जो की स्कूल के छुट्टी होने का टाइम था, इसीलिए उसके आधे घंटे पहले ही मैं रेडी होकर जा रही थी। और ये वो हेलमेट है तो इसे मैंने पहन के जाना शुरू कर दिया है, तो बहुत दिनों बाद पहनती हूँ ना, थोड़ा सा अनकंफर्टेबल लगता है, फिर भी कोई बात नहीं, अनकंफर्टेबल होता तो भी अच्छा चीज़ है, ये एक्सीडेंट वगैरह से भी बचाए रखता है। फिर मैं पहुँच गई केक शॉप पे, और मैं सिर्फ बैग्स ही लेने आई थी केक्स के लिए, ये बहुत अच्छा होता है, मैं दो तीन ही ले रही हूँ, ज़्यादा नहीं लूँगी, थोड़ा सा ट्राई करूँगी इसका कैसा क्या है सब कुछ। भैया भी मेरे को खोल के दिखा रहे थे इसे कैसे खोलना है, पहले मुझे समझ नहीं आ रहा था कि इसे कैसे फोल्डिंग खोलना है और वो केक का बॉक्स आएगा कि नहीं। उसके बाद वो लेके घर आ गई, और यहाँ पे ना पूजा भी देना हुआ नहीं था मेरा, तो यहाँ पे आके मैंने पूजा दे दिया। और हाँ, जोजो को भी लेते ही आई थी मैं, केक का बॉक्स लेके जोजो को लेके घर वापस आ गई थी, और आने के बाद मैंने यहाँ पे पूजा भी कंप्लीट कर ली। उसके बाद हमने खाना खा लिया, जोजो का खाना हो गया था, और यहाँ पे हम खा रहे हैं मसाला भात और मट्ठा। मसाला भात मेरे हस्बैंड ने बनाया और मट्ठा जो है मैंने बनाया, बहुत ही यम्मी बनाते हैं मेरे हस्बैंड, बहुत ही टेस्टी रखता है मसाला भात, और मट्ठा भी बहुत अच्छा लग रहा था। तो दोपहर का खाना हमारा कुछ ऐसा था। उसके बाद जो जो भी यहाँ पे आके मस्त मस्ती कर रहा था हमारे खाने के सामने में आके, उसको कुछ ना कुछ करना ही रहता है जब भी हम खाना खाते हैं, तब इसीलिए हम लोग उसको मोबाइल देके बिठा के रखते हैं, बट इस टाइम पे मेरा मोबाइल भी बिजी था। 6 hours later. अभी शाम को मैं बैठी हूँ जोजो को पढ़ाने के लिए, एक ही पेज होमवर्क दिया है और ज्यादा रिवीजन करवाया है स्कूल से, जोजो को पढ़ा लेती हूँ, उसके बाद डिनर बनाने के लिए जाऊंगी। ठंडी के टाइम पे गरम गरम बना के खाए ना तो ज्यादा मजा आता है। तो अब क्या है, कहाँ से मिला चॉकलेट, कहाँ से मिला, मुंह देखो भर गया है एक चॉकलेट से, इसका बात भी नहीं कर पा रहा है। कैसे मिला चॉकलेट, कैसे
कैसे मिला तुम्हें ये चॉकलेट? कहाँ से मिला? टीचर ने दिया था ना। हाँ? टीचर ने दिया था ना। टीचर ने दिया था? हाँ। क्यों? जीनी में बनने के बाद था। अच्छा, किसी तुम्हारे किसी फ्रेंड का बर्थडे था क्या आज? हाँ। अच्छा। मेरा बर्थडे था। तुम्हारा बर्थडे नहीं था? तुम्हारा बर्थडे तो कब के हो गया? हो गया ना। हो गया ना। हाँ। है ना बर्थडे मेरा। ओ ठीक है, मनाएंगे बड़े धूमधाम से मनाएंगे। ठीक है, मैंने केक बनाना। हाँ, बड़ा सा केक बनाऊंगी। ठीक है। तो गाइस, डिज़ाइन जो है ना मैंने यहाँ तक ही बना पाई हूँ कि मेरे हस्बैंड आए हैं अभी घर पे, तो वो बोल रहे हैं कि चलो आज चलो मोमोज खा के आते। बोलिए चलो, कोई हर्ज नहीं है, वैसे मोमोज भी अच्छा लग गया था मुझे, तो कभी कभी खा ही सकते, तो मैंने हाँ बोल दिया। और तो मेरे हस्बैंड वहाँ पे फ्रेश होने गए हैं और मैं इतना सा ही बना के मैं भी रेडी हो जाऊँगी। दोजो को भी रेडी करवाना है। खाओ, कैसे लगा? अच्छा लगा। ऐसा थम्स अप कर दो थोड़ा सा। तीखा है? तीखा है? मम्मा की तरफ देखो, थम्स अप करो। गाइस, मोमोस खा के गाड़ी में पेट्रोल डाले और घर वापस आ गए। तो बस अभी थोड़ी देर बाद ही खाना खाएंगे क्योंकि पेट अभी भरा हुआ है। आज का व्लॉग कुछ इस तरह था। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना ताकि मेरे नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपके मोबाइल में आ जाए। तो मिलते हैं एक नए व्लॉग में। गुड नाइट, शुभ रात्रि, बाय।